दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। सुक्खू सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रह गई है। कांग्रेस के नेता गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है। ऐसे हालात में भी पुलिस खामोश है, जिसकी वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुक्खू सरकार है। ये बात पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। इन 17 महीनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है। मतलब हालात ऐसी है कि प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें मतलब पुलिस विभाग वो भी खामोश है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। या तो सुक्खू की डायरेक्शन होगी भी ठीक है चलने दो। और मतलब हालात इतने ख़राब हैं कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी पीछे मैंने भी एक 18 मई को कंप्लेंट की थी दिल्ली थाने में, जिसमें मुझे रणबीर सिंह नेगी और मतलब जो है वंदना ठाकुर ने जान से मारने की धमकी दी थी। आप बताइए, उन्होंने उनको बुलाया तक नहीं, ना ही FIR दर्ज करी। उसके बाद मैंने 10 तारीख को SP को चिट्ठी लिखी। आप बताइए, उसकी भी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, जब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। आप देखिए ना, और जो आम जनता है प्रदेश की, उनके साथ क्या होता होगा, वो भी आपके सामने ही है। गोलियां चला रहे हैं, बिलासपुर में गोलियां चली, कई जगह गोलियां चली, और महिलाओं से अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। इसको तो मतलब ये है कि मैं तो आज ये डिमांड करता हूँ, सुखविंदर सुक्खू आप त्याग पत्र दे, कानून व्यवस्था पर आप त्याग पत्र दीजिए, क्योंकि आपसे सरकार चल नहीं रही है। सरकार चलने का आपको कोई भी मतलब कोई ज्ञान है ही नहीं है। और आप आज इस प्रकार देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मुकेश अग्निहोत्री, उसकी बेटी को नौकरी मिल रही है यूनिवर्सिटी में, और दूसरे के कांग्रेस के नेताओं को जो है वो यूनिवर्सिटी में मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां मिल रही है। चोर दरवाजे से नियुक्तियां हो रही है। और जो 10,000 बेरोजगार जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उनको निकाल के पासे कर दिया। गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।